This call is now being recorded. सर नमस्ते। आप लोग के स्कूल में एग्जाम्स वगैरह चल रहा है क्या? यस सर। सर डन। अच्छा, काफी कम बच्चे हैं एग्जाम के। सर आज तो बिल्कुल भी ज्यादा रेस्ट ब्रेक नहीं मिला, अभी थोड़ी देर पहले एक क्लास खत्म हुई। क्या बोल रहे हो आप लोग? सर अभी आज तो बिल्कुल भी थोड़ा भी गैप नहीं, ब्रेक नहीं मिला, अभी थोड़ी देर पहले क्लास ओवर हुई है। सर आप तो जल्दी छोड़ देते हो ना, इसलिए थोड़ा सा मिल जाता है। चलो ठीक है, 8 तारीख को खाना खा रहे होंगे। चलो मैं 5 मिनट वेट कर लेता हूँ, बच्चों को खाना खाने देता हूँ, बच्चों को खाना खाने देता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। नहीं मैं भी नहीं यार, हम तो बाजी खाता हूँ। मैं भी सर मोई बाजी में खाएंगे। हाँ आप लोग तो बाजी में, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 4-5 मिनट। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 4-5 मिनट। बस ना 4-5 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ जी बिल्कुल, पूछो आदित्य। बिल्कुल पूछो। बिल्कुल पूछो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर आप पर डे लाइव क्लास कितने में शुरू कर देते हो? ये ना कुछ मेरा ओपन हुआ। हाँ जी क्या बोल रहे हो आप लोग? मैं कह रहा था सर आप कितने बजे पर डे क्लास स्टार्ट कर देते हो? मैं आज की मेरी क्लास स्टार्ट हुई है 5 बजे से, और 5 बजे से कंटिन्यूअस आप लोग का कितने बजे तक चला है? 10:15 बजे तक चलेगा, और डेली मेरी 7 बजे से क्लासेस होती है, 7 से 10 होती है। सर आप कौन कौन सी क्लासेस को पढ़ाते हो? मैं 12th पढ़ाता हूँ और 11th पढ़ाता हूँ। आदित्य मैं गोरखपुर नाम सुना है अपने उत्तर प्रदेश में, यूपी में गोरखपुर नाम सुना है आप लोगों ने? यूपी में गोरखपुर नाम सुना है आप लोगों ने? बताओ। यस सर। सुना है सर। बस वहीं से सुना। वो नहीं सुना होगा तो योगी आदित्यनाथ का नाम तो सुना ही होगा। यस सर। यस सर। बस उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट से। और भी किसी को कुछ भी पूछना है बताओ बताओ। और भी किसी को कुछ भी पूछना है? वाराणसी, आदित्य आप वाराणसी से हो? थोड़ा सा रुक जाते हैं, ठीक है थोड़ा सा रुक जाते हैं, 1-2 मिनट और रुक जाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। सब पूछना है मेरा सर, बायो के लिए मेरा फ्रेंड पूछ रहा है बार बार मेरे से, एंड वो कह रहा है यार तेरी तो स्टार्ट हो गई तो पूछ के बाद सर से बात टीचर से बात करके बता दे। काफी जल्दी बायो का भी स्टार्ट होने वाला है, कुछ ही दिन में स्टार्ट होने वाला है, मुझे लग रहा है मंडे या फिर अपकमिंग मंडे से स्टार्ट होगा। आप एक बार ना लोकेश सर से भी पूछ सकते। सर मुझे बात पूछनी थी, उसमें भी आप ही पढ़ाओगे? नहीं उसमें मैं कुछ कुछ आइडिया नहीं है, जिसको मिल जाए, कुछ भी नहीं आइडिया। सर आप बायो भी पढ़ा दे? अरे बायो भी नहीं, उसमें भी तो केमिस्ट्री होता है ना। बताओ
पर्सनल सवाल पूछूं? बिल्कुल सर। कितना कमाते हो आप अभी? नहीं, ये पर्सनल कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गया। सिक्स डिजिट सुना है आपने? सिक्स डिजिट? यस सर। बस तो ये कुछ ज्यादा ही हो गया। आप लोग बिना पढ़ोगे बैठ करोगे कुछ नहीं होता, ये बहुत ही कम होता है। अगर आप लोग दिल्ली जैसे सिटी में रहते हो ना तो इतना तो कुछ भी नहीं है, रियल बता रहा हूँ। और आप लोग को इतना बेस्ट करना है ना, इतना ज्यादा बेस्ट करना है कि मतलब कि किसी चीज की कमी ना रहे। अगर आप सोचो ना जाना है कहीं ना तो फ्लाइट से जाओ, ऐसे ऑटो रिक्शा या फिर स्कूल की बस तो आप लोग की फ्री होती होगी अभी दिल्ली में। नहीं सर, ओनली फॉर गर्ल्स, बट बहुत ही लोएस्ट प्राइस पे रहता है। मैं बता रहा हूँ 100 रुपीज का मिलता है ना वो पास आप लोग का मंथ का। यस सर, 100 रुपीज का मिल जाता है पास। यस सर, जब मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो 100 रुपीज का ही मिलता था। ये बहुत लो बेस्ट है, 100 रुपीज पर मंथ बहुत ही कम है। तो एक तरह से फ्री ही है देखा जाए तो मतलब इतना बात करो, इतना करो ना कि आप लोग सही हो जाए, ठीक है? कि किसी चीज के लिए सोचना ना पड़े, कहीं घूमने जाना कुछ भी सोचना पड़े, किसी तरीके से कुछ पहनना पड़े, सोचना ना पड़े। सर, आपके जो पीछे का बैकग्राउंड हमेशा दिखता है वो मतलब आपके घर का है या आप क्रिएट कर रखा है ऐसा? वो क्रिएट कर रखा है, ऑप्शन आता है भाई बैकग्राउंड बदलने का, तो बैकग्राउंड बदलने का ऑप्शन आता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अंशिका। और भी कुछ डाउट है? नो सर। सर मैथ की एक्स्ट्रा क्लास भी होगी क्या? अब मुझे इसका आइडिया नहीं है, वो होगी तो बता जाएगा। मंडे से स्टार्ट होगा ना मैथ्स आप लोग का? सर मैथ में तो हम सिलेबस में पीछे हैं। कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा, खींच लिया जाएगा उसको ज्यादा। एंड सर अभी तो मार्च आने वाला है और केमिस्ट्री की दो बुक्स है, कंप्लीट हो जाएंगी? बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, वो तो मेरे ऊपर छोड़ दो भाई, हो जाएगी। आप लोग के साथ पूरा सर, आप ट्यूशन क्लासेस में नहीं, मैं और कुछ नहीं देता। मैं बता दे रहा हूँ अपना कि मैंने जियो साइंटिस्ट का एग्जाम दिया था, साइंटिस्ट जियो की यूपीएससी कंडक्ट करा दिया, उसमें भी मेरा हो रखा था, मैं इंटरव्यू तक गया था फिर स्किल। तो मैं फिर से ट्राई करता हूँ, आप लोग ये सोचते हुए कि कोई भी आ जाता है मतलब ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग खुद ही एनआईटी आईआईटीज हैं और अच्छे अच्छे एग्जाम्स भी क्रैक कर रखे हैं। और आप लोग को तो मैं डायरेक्ट बोलता हूँ जो पूछना पूछ। सर ब्रेन एक्सचेंज करें क्या? करता ब्रेन एक्सचेंज करें, मेरे लिए इजी हो जाएगा। ये सही बात है, आपने जब आप लोग भी मेरे लेवल पे आओगे ना तो आप लोग का ब्रेन मेरे ज्यादा वर्क करेगा। होता क्या है कि जिस टाइम मैं आप लोग के टाइम था ना, मेरे में बहुत कमियां थी उस टाइम, मैं बता रहा हूँ उस टाइम ना मेरे घर में भी लोग इतने वो नहीं थे कि मुझे बता सके कि ये गलती आप कर रहे हो या फिर कोई रिलेटिव ऐसा नहीं सर। लेकिन आप लोग के टाइम ना बहुत सारी सुविधाएं है, रियली बता रहा हूँ। सर आपका 11th कैसा गया? मेरा 11th बहुत बेकार गया था। नहीं सर, कभी कल कुछ टीचर्स को देखने के बाद लगता है ना कि क्लास अगर इनकी सारी नॉलेज अगर हमारे पास ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाए तो पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। मैं बता रहा हूँ, मैं भी ना सेम टाइम वही सोचा था जब मैं भी पढ़ता था, लेकिन एक्चुअल में जब मैं उनकी लेवल पाया ना उनकी एज में तो बहुत ज्यादा गैप मेरे में है। तो जब आप लोग मेरे लेवल पाओगे ना मेरे एज में तो आप लोग के साथ बहुत ज्यादा मेरे से गैप होगा, आप लोग हमेशा बेटर सोचोगे, रियली आप लोग बेटर हो। लेकिन एक चीज है, अगर आप लोग जहां भी गलत रास्ते पे पड़े वो तो फिर मुश्किल हो जाएगा आप लोग। तो आप लोग बेटर हो और इतना पता है कि मेरे से क्या मतलब, अपने घर वालों से भी बहुत बेटर करोगे आप लोग, काफी अच्छा करोगे। लेकिन बस ये है कि जो बीच अगर कोई नहीं, भी मैं तो बीच में वो मत करो। चलो एक बार क्लासेस स्टार्ट करते हैं। जस्ट एक मिनट, 11th में तो मैंने एग्जाम ही नहीं दिया था। अब ऐसे आप लोग मत करो, एग्जाम नहीं दिया क्यों सर? हम लोग का यूट्यूब बोर्ड है ना, कुछ भी दो या ना तो चल जाता है, मतलब थोड़ा सा हो जाता था उस टाइम, अभी का तो नहीं पता। तो ये बताओ क्या स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? स्क्रीन दिख रहा है सबको?
नो सर नो सर नो सर यस सर यस सर। आज पता है बच्चों, आज ना ये बाय मिस्टेक मैंने ये टॉपिक लिखना भूल गया, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे ना वो क्या पढ़ेंगे, बोर मॉडल और साथ ही साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाम तो सुना होगा ना आपने ये सब चीजों का, पढ़े रहता है। तो आओ बातें करते हैं, ठीक है? तो ये तो आप लोग को पता ही, एक से दो क्वेश्चन हमेशा ही पूछता है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग को मैंने ये भी, ज्यादा स्लो आ रही है क्या मेरी वॉइस? नो सर ठीक आ रही है, ठीक आ रही है। ये मैंने आप लोग को सिलेबस भी बता रखा है काफी अच्छे से, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत। आओ हम लोग ना प्रीवियस क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले ये बताओ, इफ मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल, मास ऑफ प्रोटॉन इज हाफ एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल, देन फाइंड आउट द न्यू एटॉमिक वेट ऑफ C6T12। बता दो आप, न्यू एटॉमिक वेट क्या होगा? सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास क्या है, 6C12 है ना। अगर मैं इसकी प्रोटॉन की बात करूँ तो प्रोटॉन कितना है सर? 14 मैं बता रहा हूँ सर, प्रोटॉन कितना इसमें? 6 है। इलेक्ट्रॉन कितना इसमें? 14। रुक जाओ, न्यूट्रॉन भी क्या है? 6 है। अगर मैं न्यू वाले की बात करूँ ना, न्यू वाले की, तो न्यू वाले में न्यूट्रॉन क्या हो रहा है? डबल हो रहा है, यानी कि न्यूट्रॉन को मैं 6 से क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। प्रोटॉन क्या हो रहा है? प्रोटॉन हाफ हो रहा है, 3 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉन भी डबल, यानी कि 12 हो जाएगा। सर प्रोटॉन से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एटॉमिक वेट को? इलेक्ट्रॉन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से फर्क। तो इन दोनों को मिला दोगे तो क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर, सब ठीक है। क्लियर है, डन है सबको? एक बार इसका बता दो। ये सब क्वेश्चन ना आपके सोचने समझने की जो कैपेसिटी है ना वो उसको स्ट्रॉन्ग करता है, रियली बता रहा क्या होगा बताओ आपको? 200 यूनिट सर, 2 मिनट सर, 200 यूनिट। बाकी बच्चे 200। ये गौरव 198 कहां से आ गया? यस सर, सर 200। सिंपल सी बात देखो कि हमारे पास एटॉमिक वेट का क्या है? C12। इसका एटॉमिक वेट कितना दिया हुआ? 150 दिया हुआ है। इसका मतलब कि यह 12 एमयू है, तो इसका कितना यूनिट है? 150 है। अगर यह 1 होता तो कितना होता? 150/12। लेकिन ऑक्सीजन वाले में वही कितना दिया हुआ? 16 दिया हुआ। तो 16 के लिए क्या हो जाएगा? 150/12 × 16। यहाँ से कितना हो जाएगा? 3 और 4 हो जाएगा। यह हो जाएगा 50 और 50 × 4 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। क्लियर है क्या? 200। तो ये ना आपके थिंकिंग लेवल को बढ़ाता है ऐसे क्वेश्चंस करने, ये क्रिटिकल लेवल का क्वेश्चन है। ये मैंने आप लोग को बता रखा था ना, आईसो इलेक्ट्रॉनिक सेट ABCD पूरा होगा? यस सर पूरा बता रखा। चलो बातें है ना, प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ते हैं कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्लैंक के बारे में। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है ना, उससे एनर्जी भी आती है। और एनर्जी ये नहीं कि बोल दिया कि लोग 5 किलो एनर्जी है, 2 किलो एनर्जी आया, 3 किलो एनर्जी, ऐसे नहीं आता।
वो एक पैकेट के फॉर्म में आता है और पैकेट का एक एक हिस्सा पूरा फिक्स होता है। जैसे आप बताओ अमूल आधा लीटर वाला दूध देखे हो, हाफ लीटर वाला, समझो उसी हिसाब से आता है। हर एक हाफ लीटर में एकदम फिक्स क्वांटिटी ऑफ एनर्जी होगी ही होगी, उसको हम काट भी नहीं सकते, उसको हम डबल भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए बोला जाता है ना कि जो भी प्लैंक क्वांटम ने क्या बताया था कि जो हमारे पास एनर्जी आती है ना, एनर्जी वो पैकेट के फॉर्म में आती है, बंडल के फॉर्म में आती है। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक एक बंडल को क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटा। इसीलिए यह भी बोला जाता है ना कि जो उसको फोटोन भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोन भी बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देख लो, मान लो कि जो वह एनर्जी आई है ना, एनर्जी वह क्या होगी, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के। उस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो वहीं पे E बराबर क्या हो जाता है, एच न्यू। और यहाँ पे H क्या है बताओ जरा, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 जूल सेकंड। क्लियर है क्या? क्लियर है। या फिर E बराबर क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा। ये बातें क्लियर है क्या? मान लो कि हमारे पास एक बंडल पैकेट है, मतलब एक पैकेट है, एक क्वांटा है, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू 6.6 × 10⁻³। एच न्यू होगी ना। अगर हमारे पास एक पैकेट है, एक क्वांटा है, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, बोलो। अगर मान लो हमारे पास पांच पैकेट आ गया, पांच पैकेट, तब कितनी एनर्जी होगी, 5 H³। हमारे पास एन बंडल आ गया तो NH µ। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है। अब ध्यान से बोल, ध्यान से देखो, ये आप लोग देख लो कि हमारे पास यह क्या है, हमारे पास ध्यान से देखना कि 6.626 × 10⁻³⁷ किलो जूल सेकंड, या किलो में दे दिया है। अगर जूल में निकालोगे तो -34 आएगा। अर्ग जानते हो क्या, अर्ग क्या होता है, सीजीएस यूनिट होता है इसका। यस सर, सीजीएस यूनिट होता है जूल का, अर्ग होता है। डन मेरी बातें? Yes. और कुछ ज्यादा है नहीं। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल ऑफ फोटॉन ऑफ सोडियम लाइट। वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, वेवलेंथ हमारे पास इतना दिया, हमें एनर्जी पूछा है। आप बताओ एनर्जी बराबर क्या होता है, एच सी बाई लेमडा होता है। यस सर, 6.62 × 10⁻³⁴ × 10⁸ और डिवाइड बाई लेमडा की वैल्यू कितनी दे दिया इसने, 5.862 × 10⁻⁙। याद रहे सबका यूनिट ना एक फिक्स यूनिट, एक फिक्स रेशियो, मतलब उसमें होना चाहिए। अगर SI ले रहे हो तो SI लेके चलना, CGS ले रहे हो तो CGS लेके चलना, ठीक है क्या? यूनिट का ध्यान रखना, जो यूनिट है ना, यूनिट वह बहुत ज्यादा पता चले कि इसका दे दिया आपको एंगस्ट्रॉम में दे दिया और इसका कुछ और में दे दिया और आप लोग उल्टा सीधा कर दिया। तो आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत क्या? नो सर, लिखा हुआ है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ अ फोटॉन, वेवलेंथ इतना दिया हुआ है। सिंपल सी बात होता है, E बराबर क्या होगा, एच सी बाई लेमडा। लेमडा की वैल्यू दे दिया, C की वैल्यू आप लोग जानते हो, H की वैल्यू जानते हो, क्या E की वैल्यू नहीं निकल जाएगी? यस सर। जब E की वैल्यू निकल जाएगा तो आप लोग क्या होता है, E = H नहीं, H का वैल्यू जानते हो, E की वैल्यू निकली गया, तो न्यू की भी वैल्यू नहीं निकल जाएगी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। यस सर। कोई दिक्कत होगा क्या? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करें क्या बोर मॉडल पे, देखो तो धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ ना कि डाल्टन ने एटम के बारे में कुछ ना कुछ बोला, ऐसे ही रदरफोर्ड आए, उन्होंने भी कुछ बोला, ऐसे ही बहुत सारे साइंटिस्ट आए, कुछ ना कुछ बोला। तो हम सबकी बातों का थोड़ी ध्यान देंगे, हम उन्हीं की बातों का ध्यान देंगे जो ज्यादा सही है, बोलो। यस सर, यस सर। कोई चीज होता है, एक तो लोग पहले वाले को याद रखते हैं और एक लास्ट वाले को याद रखते हैं। पहले वाले को इसलिए याद रखते हैं कि स्टार्टिंग उसी ने किया था, और लास्ट वाले को इसलिए याद रखते हैं कि लास्ट वाला सही था एकदम, समझ रहे हो क्या? कुछ ऐसे होता है। और बीच वाले ने भी मेहनत किया, लेकिन उनकी मेहनत का कोई ध्यान नहीं देता, ऐसे मतलब ध्यान नहीं देते यार, हटा देते ऐसे, लेकिन मेहनत उन्होंने भी किया। अब ये बताओ लास्ट वाले का सही कैसे होता है, सबका थोड़ा थोड़ा कुछ पढ़ा होता है, ये बताओ आप लोगों ने कभी वाइवा वगैरह ऐसे दिया है? यस सर, यस सर दिया है वाइवा। यस सर, यस सर। बताओ जरा, बताओ जरा, रोल नंबर 1 की हालत क्या होती है?
सर उसके सबसे गंदी हालत होती है बस उसको कुछ पता होता है पूछना कैसे और जैसे ही वो वायवा दे के आता है सब उसके पीछे लग जाएंगे भाई बताना क्या पूछा गया बताना क्या पूछा गया ऐसे ही होता है ऐसे सर जैसे कोई टॉपिक को बोलना होता है कोई टॉपिक दे दिया तो जो फर्स्ट सबको सेम टॉपिक है पहला वाला बोलेगा फिर सर हम उसके पॉइंट नोट करते जाएंगे फिर लास्ट टाइम बोलेंगे बस जिसका सबसे लास्ट में आता है ना वो तो मतलब ऐसे सोचता है कि कुछ ना वो बताया होगा अगर लास्ट वाले को कुछ भी नहीं आता होगा ना तो सुन सुन के कुछ ना कुछ तो बोल ही देता है वो यस सर यही मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कुछ क्या ही बताऊं चलो अच्छी बात है सर आपका फर्स्ट या लास्ट था मेरा बीच वाला था लेकिन जो फर्स्ट वाले का होता था ना जैसे ही आता तो उसके पास पहुंचते थे भाई बता क्या पूछा गया ठीक है अब देखो बोर मॉडल पढ़ते ठीक है बोर मॉडल तो बोर मॉडल क्या होता था कि जैसे कि उन्होंने क्या बोला कि एक गोला ले लिया और इस गोले को उन्होंने क्या बोल दिया एटम है और एटम के बीच में क्या होता था न्यूक्लियस 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 में होता था पॉजिटिव चार्ज और बाहर क्या होता था नेगेटिव चार्ज अब ये बताओ पॉजिटिव चार्ज तो बहुत ज्यादा होगा ना क्योंकि न्यूक्लियस में अगर 8-10 प्रोटॉन है तो 8-10 प्रोटॉन होगा बोलो yes. और जो ये नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन है ना इलेक्ट्रॉन भी बहुत सारे होते हैं लेकिन हम किसी एक इलेक्ट्रॉन की स्टडी कर रहे हैं किसी एक ही इलेक्ट्रॉन की स्टडी कर रहे हैं तो आप बताओ कि आपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा है ना कूलॉम का कि दो अगर अपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्शन तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जो वह फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कूलंबिक फोर्स बोलते हैं क्या बोलते हैं कूलंबिक फोर्स बोलते हैं और कूलंबिक फोर्स आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा क्या होता है के Q1 Q2 बाई सर अभी नहीं पढ़ा सर देखो तो मैं बता देता हूँ ये जो Q1 का क्या मतलब है देखो देख लो Q1 का क्या मतलब होता है जो अंदर वाला चार्ज है बताओ अंदर वाला चार्ज है और अंदर वाला चार्ज तो बहुत ज्यादा है ना मानो 10 प्रोटॉन है तो 10 क्यों होगा ना बताओ यस सर ऐसे ही बाहर वाला तो एक ही इलेक्ट्रॉन है क्योंकि हम एक ही इलेक्ट्रॉन की स्टडी कर रहे हैं बोलो सर एक बार दोबारा बताना कूलंबिक चार्ज देखो सर कूलंबिक हां मैं जैसे बताओ देखो कूलंबिक चार्ज ये है ना कि बीच में मान लो कि 10 चुंबक रखा हुआ है और बाहर एक ही चुंबक रखा हुआ है तो 10 चुंबक एक चुंबक को अपनी तरफ खींचेगा ना बोलो यस सर तो हम उस केवल एक ही चुंबक के बारे में स्टडी कर रहे हैं यानी केवल हम एक ही इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी कर रहे हैं ठीक है अब जाहिर सी बात है यह इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि चक्कर भी लगाता है ऐसे घूमता भी है तो सिंपल सी बात देखो कि अगर ये बताओ ध्यान से देखो यह हो गया कूलंबिक फोर्स हमने कुछ ऐसे लिख लिया इसके बीच की दूरी को मैंने आर लिख लिया और आर स्क्वायर हो गया ठीक है ये कूलंबिक फोर्स है उसके बाद थोड़ा थोड़ा ग्रेविटेशन जैसा है हाँ बिल्कुल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है सुन लो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब ना आप बताओ कि ऐसे कोई चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो एक बार उसकी एनर्जी फिनिश हो जाएगी तो क्या अंदर नहीं चला जाएगा अगर मान लो कि हम किसी खंबे के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रहे हैं और चक्कर लगाते लगाते थक गए तो गिर नहीं जाएंगे अंदर लेकिन ऐसे नहीं होता है पता है क्यों नहीं होता है कि एक तो यह अट्रैक्शन की तरफ अंदर अपनी तरफ खींचता है अट्रैक्शन से क्या करता है अपनी तरफ खींचता है और वैसे ही यह एक बाहर की तरफ फोर्स लगाता है इसी को क्या बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं क्या बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं आप बताओ न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है एवरी एक्शन एज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बिल्कुल वह अंदर की तरह खींचता है तो एक बाहर की तरह भी फोर्स लगता है बाहर की तरह भी फोर्स लगता है ठीक है और दोनों एक दूसरे के क्या होंगे इक्वल होंगे क्या मेरी बातें क्लियर है आप क्या करना ना आप बाल्टी ले लेना बाल्टी में पूरा बाल्टी पानी भर लेना उसको रस्सी से पकड़ लेना और ऐसे ऐसे नचाते जाना देखना पानी नहीं गिरेगा क्यों नहीं गिरेगा क्योंकि अंदर से बाहर की तरह फोर्स लग रहा होता है पानी हमेशा उस साइड की तरह लगेगा जैसे उसको ढीला करोगे ना तैसे गिर जाएगा समझे आप लोग देखो आप लोग एक बाल्टी ले लेना बाल्टी में रस्सी बांध लेना उसमें पूरा फुल पानी भर देना और ऐसे नचाते जाना कसके ऐसे नचाते जाना देखना पानी नहीं गिरा क्यों नहीं गिरेगा क्योंकि यार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है ना तो बाल्टी में जो पानी होगा ना उसमें ऐसे फोर्स लगेगा ना अरे वर्टिकल नहीं करना है हॉरिजॉन्टल करना है ऐसे
फुल बाल्टी होगी तो चलेगा ही थोड़ा बहुत। हाँ फुल बाल्टी, कोई दिक्कत नहीं, नहीं गिरेगा। अब देखो एक होता है एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, जो आप लोग मोमेंटम पढ़ते हो ना वो लीनियर मोमेंटम पढ़ते हो, क्या होता है एमवी होता है ना। यस सर एमवी, लेकिन एंगुलर मोमेंटम होता है एमवीआर, क्या होता है एमवीआर एमवीआर। ये तीन पॉइंट है बोर मॉडल को जो फॉलो करता है, पहला बात कोलंबिक फोर्स, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तीसरा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो आओ बोहर मॉडल के कुछ बातें थी, क्या थी कुछ बातें थी। आओ पहली बात उन्होंने क्या बोला, उन्होंने यह बोला एटम हैज अ न्यूक्लियस वेयर ऑल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। एटम के पास न्यूक्लियस होता है जहां पे पूरे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं प्रेजेंट होता है, ठीक है। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एंड इट प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम। न्यूक्लियस बहुत ही छोटा होता है, एटम के क्या होता है सेंटर में होता है, ये बातें डन। अब दूसरी बात इनकी देखो, दूसरे पॉसिबिलिटी उन्होंने क्या बोला था, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो नेगेटिव चार्ज है ना वह न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है चक्कर लगाता है, घूमता रहता है, सेम वैसे ही जैसे जो हमारी अर्थ है ना सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है। सेम ऐसे ही जैसे हमारी अर्थ क्या करती है सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है। अब ये देखो कि जाहिर सी बात है कि एक होता है इलेक्ट्रॉन और अंदर होते हैं प्रोटॉन, तो जाहिर सी बात है अपनी तरफ खींचेगा, बोलो अपनी तरफ खींचेगा, और जब खींचेगा तो उसको उसके अंदर गिर जाना चाहिए ना, और जब इलेक्ट्रॉन ही प्रोटॉन के अंदर गिर जाएगा तो पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। लेकिन कौन नहीं गिरने देता है, कोलंबिक फोर्स, जैसे वो अंदर आना चाहता है ना तो एक बाहर की तरफ धक्का मारता है, कौन धक्का मारता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नहीं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो अपनी तरफ खींचता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ धक्का मारता है। ये बातें क्लियर हो गई क्या, दो बातें और की क्लियर हो गई, किसी को इसमें डाउट हो तो बताओ। नो सर प्रिंस भाई स्यूडो फोर्स है, दिखता नहीं है, पता भी नहीं चलता है। अगर मैं आपसे ऐसे धक्का मार रहा हूँ तो आपको दिख भी रहा होगा, महसूस भी हो रहा होगा, लेकिन वो स्यूडो फोर्स है, पता भी नहीं चलेगा, ऐसे लग रहा होगा लेकिन पता भी नहीं चलेगा। आप बताओ आपको पता चलता है क्या, कोई ग्रेविटेशन से हमें नीचे खींच रहा है, समझा दो क्या चीज स्यूडो फोर्स होती क्या है, समझा दो। देखो स्यूडो, स्यूडो का मतलब होता है आभासी, आभासी का मतलब होता है कि हमें पता नहीं चलता है, दिखता नहीं है, आभास केवल हो सकता है अगर हम देखना चाहे तो। अरे भूत वगैरह देखे हो, भूत यस सर नो होता है, होता है बट दिखता नहीं है, स्यूडो तो वो भी है ना सर, आप फील कर सकते हो ना, कभी जाना कभी रात में जंगलों में जाना देखो क्या होता है सर। ग्रेविटेशनल फोर्स एक बार फील होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स फील होती है, वो स्यूडो नहीं होता है। देखो जैसे आप ऊपर से आओगे तो हमेशा नीचे जाओगे, जंप करके आते हैं, जब जंप करते हैं छत से भी कूद जाओगे, जब हम कभी जाओगे सर। स्यूडो फोर्स तो नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखते हैं तब लगाते हैं ना, बिल्कुल यार बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अभी ना इस टॉपिक को फिनिश करना हमें। ये बताओ यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर नो सर। आगे बढ़े, अब देखो अब पास्टुलेट नंबर थ्री, पास्टुलेट नंबर थ्री में उन्होंने यह बोला ना, ध्यान से देखना कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है एमवीआर होता है ना। यस सर। किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना वह किसके बराबर होता है, एन एच बाई 2π के बराबर होता है, nh by 2π के बराबर होता है। अब जैसे कि मान लो कि यह पहला ऑर्बिट है या दूसरा ऑर्बिट है या तीसरा ऑर्बिट है, तो कभी भी किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा ना तो nh by 2π तो फिक्स है, और अगर पहले डब्बे अगर पहले सेल में होगा 1h by 2π हो जाएगा, दूसरे सेल में होगा तो 2h by 2π हो जाएगा, तीसरे में 3h by 2π हो जाएगा, क्लियर है क्या। अब ये बोल देना कि 1.5h by 2π, ऐसे कुछ नहीं होता, आधा आधा कुछ नहीं होता, इसमें होगा तो सेल को रिप्रेजेंट करेगा, क्या n जो है ना वो सेल को रिप्रेजेंट करेगा सेल, ठीक है क्या। h का मतलब आप लोग जानते हो प्लैंक कांस्टेंट। एक चीज मैं आपको और बता दूं, h by 2π का मतलब होता है h कट, क्या होता है इसको हम लोग बोलते हैं h कट बोलते हैं, तो चाहे वो एन एच कट बोल दे, चाहे वो 2h कट बोल दे, चाहे वो 3h कट बोल दे, लेकिन 1.5h कट वो नहीं बोल सकता, हमें इंटीजर में ही होगा। क्या मेरी बातें सबको क्लियर होगी? यस सर यस सर। हाँ जी
सर शेल और ऑर्बिट एक ही चीज है? बिल्कुल बिल्कुल, अलग अलग नाम है, मतलब अलग अलग नाम नहीं, एक ही चीज है। ओके सर। लेकिन ऑर्बिट और ऑर्बिटल अलग अलग चीज है, ये मतलब ये इसको मिक्स मत करना। यस सर यस सर। ऑर्बिट और ऑर्बिटल अलग अलग चीज है, क्लियर है क्या मेरी बात है? ओके सर। किसी और को कुछ भी डाउट है? नो सर। नो सर। एक बार बताना वो मैंने सीधी सी बात है ना, अब ये बताओ कि जो ऑर्बिटल होता है वो NH2 2s2 ये सब के सब ऑर्बिटल होते हैं ना, लेकिन ऑर्बिट तो एक ये होता है ना, एक ऑर्बिट में बहुत सारे ऑर्बिटल हो सकते हैं, ये मैं बताऊंगा यार आगे बढ़ाऊंगा तो, ठीक है? अब ये बताओ ग्रुप में गाना कौन गा रहा है? नहीं मोहित ऐसे नहीं करने का, ठीक है? अब देखो पांचवा नंबर, इनकी बातें देखो, पांचवा नंबर ये क्या बोलते हैं, सीधी सी बात मान लो, यहाँ पे देखो बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, और चारों तरफ क्या है इसका, सेल है या फिर ऑर्बिट है, क्लियर है क्या? अब इस सेल का नाम उन्होंने दे दिया, अगर पहला नंबर सेल होगा तो वन बोल दिया, दूसरे नंबर को टू, तीसरे को तीन, चौथे को चार, पांचवे को पांच, छठे को छह, क्लियर है क्या? क्लियर है। अब इन्होंने इंग्लिश में भी नाम दे दिया इसका, के एल एम एन ओ पी, एक तो पहली बात मैथमेटिक्स में नाम दिया 1 2 3 4, और इंग्लिश में भी नाम दे दिया के एल एम एन ओ पी, क्लियर है क्या? क्लियर है। yes, sir. अब ये बताओ, ये बताओ कि जो न्यूक्लियस के सबसे पास है इसकी एनर्जी कितनी होगी? हाँ जी, के से ही क्यों स्टार्ट किया यार, इसका तो मुझे भी आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आइडिया। एबीसीडी भी तो है सर, अगर आपको पता कभी फ्यूचर में चले तो मेरा नंबर सेव कर लेना, बताना चले, ठीक है? yes, मुझे भी नहीं आइडिया इसका, रियली मैं भी कोशिश किया था लेकिन नहीं पता चला, कहीं भाई क्या पता उसका मन हो। अब जैसे मैं पूछ दूं कि आपका पीर बक्स नाम क्यों पड़ा, मे भी शायद आइडिया नहीं होगा, मे भी आपके पेरेंट्स ने कुछ सोच के रखा होगा, या फिर इसको भी जो होगा कुछ सोच रखा होगा। अब दूसरों को तो कैसे पता चलेगा भाई उनकी मन की बात है उस टाइम क्या, ठीक है? yes. अब yes, देखो, ये हो गया क्या? देखो अब देखो yes, जैसे कि मानो यार पहला सेल है, तो पहले सेल की एनर्जी कुछ अलग होगी, बोलो। yes, दूसरे सेल की एनर्जी अलग होगी, तीसरे की अलग होगी, चौथे की अलग होगी, पांचवे की अलग होगी, और छठे की अलग होगी, यानी जितने सेल उनकी एनर्जी क्या क्या होती है, अलग 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 होती है, क्लियर है क्या? अब जो हाई वाला है ना, हाई वाला, इसकी एनर्जी ज्यादा है और लो वाले की एनर्जी कम है। ये बातें किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। अब ध्यान से देखो, ध्यान से एनर्जी फर्स्ट वाले, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी फर्स्ट वाले की होती है क्या? अब अलग अलग रेस्पेक्ट में होता है, फर्स्ट वाले किस लिए ज्यादा बताया गया है ना, क्योंकि वो बाधे रहता है, न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है। तो आप बताओ, एक न्यूक्लियस प्रोटॉन है और जस्ट उसके बगल वाला इलेक्ट्रॉन है, तो क्या न्यूक्लियस छोड़ेगा क्या उसको, बताओ? मैं बता रहा हूँ सर, वो तो वो ना, अगर हमें उसको निकालना हो बाहर ना, तब हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। यस सर। ये अगर मान लो कि एक आप हो और आपका एक कोई फ्रेंड है और आपका एक बेस्ट फ्रेंड है, ये बताओ अगर मुझे किसी में झगड़ा लगाना हो तो किसकी जल्दी बॉन्ड में तोड़वा सकता हूँ? समीर और मेरे फ्रेंड की। क्या ऐसी बात है सर, आप बॉन्ड भी तोड़वा रहे हो? अरे भाई ये बॉन्ड तोड़नी तो तोड़ने वाला है, प्रोटॉन खींचा हुआ है, एनर्जी देके तोड़ना ही तो हुआ ना, केमिस्ट्री में यही होता है, बॉन्ड तोड़ो बॉन्ड जोड़ो, कोई परमानेंट नहीं होता, बॉन्ड टूटेगा नया बनेगा, ठीक है? आप लोग के साथ भी कुछ जल्दी ऐसे ही होगा, बॉन्ड टूटेगा बॉन्ड बनेगा, पता भी नहीं चलेगा आपको, और आप लोग को लगेगा कि मेरा ही बॉन्ड सबसे स्ट्रांग था, कुछ स्ट्रांग नहीं होता है, सब टूटता है, कुछ भी स्ट्रांग नहीं होता है, ठीक है? बहुत पता चल गया होगा क्या? हाँ सबको। अरे अब मतलब आप लोग कम होशियार थोड़ी हो आजकल, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे कि मान लो, ध्यान से देखो तो ये पहले वाले की एनर्जी कम है, दूसरे वाले की एनर्जी ज्यादा है, तो मान लो इसको हमने बोल दिया N1, इसको बोल दिया N2, इसको बोल दिया N3, इसको बोल दिया N4। अगर हमें N1 से N2 में जाना हो तो हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ एनर्जी देंगे तभी तो जाएगा ना। यस सर। यस सर।
अगर एन टू से एन वन में आना हो तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, तो मान लो एन टू से एन वन में जाना हो तो एन टू वाले की एनर्जी ई टू होगी और एन वन वाले की एनर्जी ई वन। अब जाहिर सी बात है तो एच सी बाई लेमडा वन और एच सी बाई लेमडा टू, या फिर आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो डेल्टा ई बराबर क्या बोल सकते हैं ऐसे एच सी बाई लेमडा बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो, डन है क्या मेरी बातें? यस सर। और जो ये वाली एनर्जी है, ये वाली एनर्जी है वो क्या है, इन दोनों के बीच की एनर्जी का गैप कितना है वो है। अगर मान लो कि मेरे पास पांच रुपए हैं और दस रुपए में एक बिस्किट मिल रहा है तो हमें कितना कितना रुपए चाहिए और फाइव रुपए चाहिए, तो ये वह वाली एनर्जी है, बीच का जो गैप वाला है ना वह वाली एनर्जी है। अगर मान लो कि हमें पहले से दूसरे में जाना हो तो कितनी एनर्जी चाहिए, यही गैप वाली एनर्जी चाहिए ना, गैप वाली एनर्जी है, बोलो समझे क्या आप? डन, किसी को कुछ भी डाउट? सर जो सर जो हमारी जो फाइव जैसे फाइव एनर्जी है जो वो हमारी एनर्जी रिलीज है उतनी है यार। अब देखो ये बताओ, आप सीढ़ी से नीचे से ऊपर चढ़ोगे तो आपको एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? सही है सर। और ऊपर से नीचे उतरोगे तो एनर्जी ऐसा लग रहा है रिलीज हो रहा है? आप जैसे मान लो कि साइकिल पहाड़ पे चढ़ा रहे हो, एनर्जी चाहिए? यस। और पहाड़ से उतार रहे हो, आप आराम से उतार सकते हो, छोड़ सकते हो, पैंडल मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस सर। बस हैंडल संभाल लेना, गलत जगह ना जाए सर। बट बैलेंस चाहिए होगा, वही बात है ना, वही बात है, बैलेंस चाहिए होगा। तो ऊपर से नीचे आने पे, ऊपर से नीचे आने में एनर्जी नहीं लगेगी, लेकिन ऊपर से नीचे से ऊपर जाने में एनर्जी लगेगी। क्लियर है क्या? यस सर। इसी में एक आता ना एब्जॉर्प्शन और इमिशन का केस आता है। एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब, आप बताओ कि हमारा पहले सेल में कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर आप इसको एनर्जी दे दोगे तो क्या यह एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेगा कि नहीं कर लेगा? यस सर, कर लेगा। कर लेगा। तो इससे जो भी स्पेक्ट्रम बनेगा उससे हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और ये बताओ कि अगर ऊपर से नीचे आ रहे तो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा कि रिलीज करेगा? रिलीज करेगा। तो उससे क्या होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम बन जाता है। ये सब आप लोग पढ़े थे लेकिन दिमाग में आपका आया नहीं था ना, सही सही बताना। यस सर। अब पता चल रहा कि नहीं चल रहा सर? ये वाला टॉपिक तो ऐसे ही निकल गया सर। यस सर। अब लग रहा ना कि अब लग रहा ना बोर्ड ने कुछ ना कुछ बोला था और हमने सुना नहीं था, ध्यान से नहीं समझा था। यस सर। अब बोर्ड्स के ना कुछ एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं, कुछ एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। इसमें से पहला एप्लीकेशन है ना रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिटल। जाहिर सी बात है यह पॉजिटिव है और यह पहला ऑर्बिट है, यह पहला ऑर्बिट है, यह दूसरा ऑर्बिट है, यह तीसरा ऑर्बिट है, तो जाहिर सी बात है इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। बोलो। यस सर। रेडियस होगा। यस सर। बातें करें क्या, कैसे रेडियस निकालेंगे इसका? यस सर। बातें कर लेते हैं। अब ये बताओ कि सिंपल सी बात है कि हमने एक पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कूलम्बिक फोर्स। कूलम्बिक फोर्स किसके बराबर होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है। और कूलम्बिक फोर्स क्या था? K Q1 Q2 by R square। अब ये बताओ कि क्या मैंने बीच में 10 प्रोटॉन है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब 10 प्रोटॉन होंगे तो हम यहाँ पे जेड लिख दे, क्या जेड मतलब क्या, एटॉमिक नंबर। यस सर। लिख सकते हैं? बोलो। यस सर। लिख सकते हैं, यहाँ पे R square है। और ये बताओ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे mv स्क्वायर बाय r होता है। क्या होता है mv स्क्वायर बाय r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप लोग ये पढ़ोगे फिजिक्स में। तो सिंपल सी बात बताओ यहां पे क्या होगा, ध्यान से देखो। सर एक बार कूलम्बिक वाला दोबारा बताना, kz। देखो कूलम्बिक फोर्स का मतलब पता है क्या, ये होता है हमारे पास k q1 q2 बाय r स्क्वायर। अब हमने q1 किसके लिए, पॉजिटिव के लिए लिया, और q2 किसके लिए, नेगेटिव के लिए लिया। तो आप बताओ हम एक इलेक्ट्रॉन पे स्टडी कर रहे हैं तो नेगेटिव केवल Q2 होगा, और अंदर तो प्रोटॉन बहुत सारे हैं ना, तो प्रोटॉन कैसे फाइंड करोगे, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन होगा ना। तो हमने इसके लिए क्या ले लिया, जेड ले लिया, नहीं समझे क्या? यस सर। क्लियर है। और आपको यह भी पता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो क्या होता है, चार्ज होता है, दोनों का सेम होता है। सर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज अलग अलग होता है ना, डिफरेंट होता है।
अरे भाई 1.6 × 10⁻¹⁹ पढ़े कि नहीं पढ़े हो? यस सर। यस सर, मैग्नीट्यूड में सेम होता। देखो यह कुछ है, देखो यह आपका हो गया कूलम्बिक फोर्स और यह आपका क्या हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है? क्लियर है। आप क्या कर देना, आर से आर कैंसिल कर सकते हो क्या? यस कर सकते हो। तो फिर यहाँ पे आप वी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, के जेड ई स्क्वायर। इसने Q1 Q2 को क्या ले लिया, E ले लिया, और क्या हो जाएगा यहाँ पे एम आर हो जाएगा। ये यहाँ तक डन है क्या, सबको क्लियर है? यस यहाँ तक कुछ भी ना। और ना हमने पोस्टुलेट नंबर 3 पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इक्वल टू क्या पढ़ा था, NH/2π पढ़ा था क्या हमने यहाँ पे? यस पढ़ा था। तो ये बताओ कि यहाँ पे v बराबर क्या हो जाएगा, NH/2π mr। यस सर। आप क्या कर दो, v का स्क्वायर कर दो, इस साइड भी स्क्वायर हो जाएगा क्या? यस सर। अब यह भी v स्क्वायर, यह भी v स्क्वायर, इसको इसके बराबर कर सकते हो? अरे भाई यह भी v स्क्वायर है और यह भी v स्क्वायर है, तो यह वाला इसके बराबर नहीं हो जाएगा। देखो यस सर, यह वाला इसके बराबर नहीं हो गया, बताओ जरा। और जब इसके बराबर हो गया तो हमने r की वैल्यू निकाल ली, तो r बराबर क्या हो गया, r इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4π स्क्वायर m k z e स्क्वायर। अब ये बताओ यहाँ पे m का क्या मतलब है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन हो गया। सर इसमें बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स है। हाँ, सब के सब कॉन्स्टेंट है, बस एक n कॉन्स्टेंट नहीं है कि किस वाले सेल में घूम रहा है। एक यह कॉन्स्टेंट नहीं है और एक यह कॉन्स्टेंट नहीं है, जेड है। मान लो कि हाइड्रोजन हो गया तो इसके लिए 1 हो जाएगा, हीलियम हो गया तो 2 हो जाएगा, लिथियम हो गया तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और एच तो कॉन्स्टेंट है, यह भी कॉन्स्टेंट है, यह भी कॉन्स्टेंट है, ई भी कॉन्स्टेंट है, तो आर बराबर क्या हो जाता है आपका, एन स्क्वायर बाई जेड। और यहाँ पे हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम, कुछ ऐसे हो जाता है, या फिर ऐसे बोल सकते हो आर इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। तो अगर मान लो कि अगर आपको पहले सेल की वैल्यू निकाली है, पहले सेल की रेडियस निकाली है, तो क्या होगा, 0.529 इंटू एन का वैल्यू आप 1 का स्क्वायर कर दो, और यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए तो क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, यही आ जाएगा क्या? यस सर। क्वेश्चंस में लिया हूं यार आपको के लिए, घबराने की बात नहीं। देखो यह वाला आ गया क्या, डाउट है किसी को? नो सर। पहली बात सुन लो, जो हमारे पास बोर मॉडल है ना, बोर मॉडल, वह केवल और केवल ना हाइड्रोजन क्या, अरे ये जितना भी कांस्टेंट है ना इसको सॉल्व करने पे ये वैल्यू आया है, ठीक है, जितना भी कांस्टेंट है ना उसको सॉल्व करने पे। तो जो बोर मॉडल है ना केवल हाइड्रोजन जैसे एटम के लिए अलाउ है, हाइड्रोजन जैसे एटम के लिए, कहने का मतलब क्या, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन हो सकता है, हीलियम प्लस हो सकता है, लिथियम 2 प्लस हो सकता है, हो सकता है क्या? यस सर। जिसमें केवल और केवल कितने इलेक्ट्रॉन, B3+ हो सकता है, बिल्कुल। तो हाइड्रोजन जैसे एटम, जैसे कि जिसमें केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन, क्लियर है मेरी बातें? यस सर। अब ऐसे ही सेम आप लोग अप्लाई करके वॉल्यूम वो वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। तो वेलोसिटी क्या होगा, 2.188 × 10⁶ जेड बाई एन। अगर मान लो हाइड्रोजन वाला एटम है, हाइड्रोजन वाला, उसके पहले सेल में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, कितने की स्पीड से घूमेगा, 2.188 × 10⁶ इतना ही घूमेगा। अगर दूसरे सेल में घूमता तो यहाँ पे एन की वैल्यू आप 2 लिखते थे, तीसरे में घूमता तो एन की वैल्यू क्या, आर्मस्ट्रांग में होते तो क्या होगी वेलोसिटी, क्या चीज, क्या आएंगे स्ट्रॉन्ग में होगा तो लेंथ, किस चीज का लेंथ, 10⁻¹⁰ मीटर। हाँ, 10 तो वैल्यू ऑफ आर रेडियस, अरे तो रेडियस तो एंगस्ट्रॉम में ही आया ना, ये जो हमारा जो भी वैल्यू है ये तो एंगस्ट्रॉम में ही आया ना, देखो एंगस्ट्रॉम में ही तो दिया है। इसको मीटर में निकालना होगा तो 10⁻¹⁰ कर लेना, मीटर आ जाएगा। ओके सर, समझे क्या?
देखो कुछ बेसिक कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए तभी आपने बेस्ट कर सकते हो, क्योंकि हमारा क्या है, हम ऐसे पढ़ाते जाएंगे, ये आपका 2 दिन का टॉपिक हम 1 दिन में पढ़ाएंगे और आपको समझ भी आएगा, मुझे लग रहा है सबको समझ आ रहा होगा मेरी बातें, मेरी बात। यस सर। हाँ जी सर, ये जो रेडियस का फॉर्मूला आपने निकाला है तो मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज पे ही काम करेगा? ये जो बोर मॉडल है ना, बोर मॉडल 1 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज के लिए काम करेगा, रेडियस नहीं। रेडियस तो सब बोर मॉडल नहीं बताया था, ये सब एलिमेंट की रेडियस बता सकता है? नहीं, सबकी नहीं बताएगा, केवल और केवल जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो। सर, सारे के मॉडल बन गए सारे एलिमेंट्स के? क्या बाकी के एलिमेंट्स के मॉडल बन गए? ये तो नहीं पता यार, मुझे नहीं लग रहा अभी बना। इतना आसान थोड़ी होता है। आपने इलेक्ट्रॉन देखा है कभी? नहीं सर। प्रोटॉन देखा है कभी? नहीं सर। पर वो बॉन्ड देखा है, एक मशीन कभी बॉन्ड बनते हुए देखा है? आप बोल देते हो कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है। इतना आसान थोड़ी समझ रहे हो, जो चीज हमने देखा नहीं। कार्बन देखे हो? कार्बन ऐसे सी जैसे दिखता है, बताओ। नो सर। फिर कैसे सोच सकते हो, कितना आसान है ये सब चीजें, हमने जिसको देखा नहीं उसके बारे में। बहुत बड़ी मशीन है सर, बहुत ज्यादा बड़ी। कभी वाटर देखा कि H2O को ये वाटर बोलते हैं हम लोग? कभी घर पे केमिस्ट्री नहीं पढ़ा? सर हमने देखा नहीं तो पढ़ा क्यों? क्या देखो, कभी कभी किसी चीज को समझने के लिए ना, अब ये बताओ कि हम लोग ने रामायण महाभारत देखा है कि नहीं देखा? नहीं देखा ना? नहीं देखा। फिर भी पढ़ते हैं, फिर भी पढ़ते हैं। कहां देखा? पूरे टीवी पे देखा, घर में देखा होगा। अरे वो तो अलग बात है, घर की महाभारत का घर में ही देखा था, मस्त आ रहा था एकदम। देखो यहाँ तक क्लियर है? अब देखो कि मान लो आपको पहले ऑर्बिट का रेडियस निकालना हो तो क्या करोगे? एन स्क्वायर बाई जेड इसी हिसाब से कर लेना। हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं हम 1 स्क्वायर। दूसरे के लिए निकालना हो देखो यहाँ पे, तीसरे के लिए निकालना हो, चौथे के लिए निकालना, कर लोगे क्या आप लोग? यस सर। कोई डाउट? पहली दूसरी तीसरी चौथी? नो सर। बिल्कुल यार, तीसरे चौथे और पांचवे और किसी का भी निकाल। कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। फटाफट बताओ सर। 3/4 ही आएगा। ये देखो क्या होता है, 0.529। मैं तीसरे का निकालना, एन स्क्वायर बाई जेड होता है ना, तो 3 स्क्वायर बाई जेड हो जाएगा 0.529। 5 स्क्वायर बाई जेड, इससे या कैंसल, जेड से जेड कैंसल, क्या हो जाएगा 9/25 होगा ना। कहाँ से 3/5 मिल गया सर? वो स्क्वायर नहीं देख, बस यही तो गलती कर देते हो आप लोग। ये देखो प्रिंस, देखो 8/25, क्या हिसाब है भाई इसका? समझ गए आप लोग कैसे हो रहा है? यस सर। ये बताओ हाउ मच टाइम एन इलेक्ट्रॉन विल टेक 1 complete रिवॉल्यूशन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, बताओ जल्द। सर रेडियस एक बार और निकाल के दिखा देना। किसका रेडियस निकालो? सर थर्ड वाले की। थर्ड वाले की रेडियस बराबर क्या होता है, 0.529 इनटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, तो 0.529 इनटू यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और जेड और हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा, यही तो होगा ना। क्लियर है? चलो इसका बताओ आप लोग, इसका आंसर बताओ आप लोग, बताओ इसका आंसर। बहुत हवा में होता है वहां पे, केमिस्ट्री को मजाक बना दिया। ये वाला समझ में नहीं आ रहा। ये क्या सर, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा निकालने में? बिल्कुल टाइम ले लो बट निकाल।
आए क्या किसी का? सर दो, सर दो मिनट। देखो मैं प्रोसेस बता देता हूँ, सिंपल सी बात। देखो ध्यान से, देखो ये बताओ कि स्पीड बराबर क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी थी? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये बताओ। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब ये बताओ कि मान लो हमारे पास एक सर्कल है सेकंड ऑर्बिट में, इसका वो डिस्टेंस कितना? 2 पाई आर। पर रेडियस निकाल लेंगे और उसके 2 पाई आर कर देंगे। तो देखो डिस्टेंस तो हमने 2 पाई आर कर लिया, और टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। सर स्पीड कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की? मैं बता रहा हूँ, 2 पाई आर हो जाएगा, और वेलोसिटी के फॉर्मूले से आ जाएगा 0.188 इनटू 10 टू पावर 6 जेड बाय एन सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो सिंपल सी बात है, हीलियम है ना, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, और सेकंड ऑर्बिट एन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 2 इनटू 10 टू पावर 6 भी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यस सर। अरे नहीं समझ आया अभी भी आप लोग को? सर आ गया। ये देखो 2 इनटू पाई आर की वैल्यू क्या होगी? 0.529। सर हीलियम प्लस है ना? अरे हीलियम प्लस मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन, एन स्क्वायर बाई जेड होगा ना, तो सेकंड ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा? 4/2 हो जाएगा, और एंगस्ट्रॉम में आएगा तो 10 पे पावर माइनस 10 हो जाएगा। बोलो 2.18 into 10 to power 6, कितने लोगों को नहीं समझ आया? अरे रेडियस वाले में रेडियस का फॉर्मूला लगाएंगे, और वेलोसिटी वाले में वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। मुश्ताक आपको नहीं आया? बताओ नहीं आया? देखो सर सिंपल सी बात बताओ, टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस सर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होगा ना? डिस्टेंस क्या होगा? 2 पाई आर होगा, और स्पीड क्या होगा? 2.18 इंटू 10 पे पावर 6 जेड बाई एन, यही होता है ना? तो ध्यान से देखो 2 पाई आर की वैल्यू क्या होगी? 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। एंगस्ट्रॉम का क्या मतलब है? 10 पे पावर माइनस 10 डिवाइड बाई 2.18 इंटू 10 पे पावर 6 जेड बाई एन, तो जेड बाई क्या हो जाएगा? एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेकेंड ऑर्बिट के लिए बोला है ना, और हीलियम दिया, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। नहीं समझे क्या आप लोग? 2, अरे अब तो बता दो। समझ गए, समझ गए, क्लियर है? कैलकुलेशन ही तो करना है सर। एक बार आंसर सेंड कर रहे हैं, आंसर मैं देखता हूँ। मैंने इसको जहां से भी पिक किया था देखता हूँ, कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर मैंने चैट बॉक्स में लिखा था, आंसर तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि कैलकुलेट कर देंगे। कर लेंगे हम लोगों को, चल लोगे ना? कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कर लोगे ना आप लोग? यस सर, यस सर। तो आई होप आप लोग सभी को कर लोगे। सर 35 इनटू 10 रेस टू द पावर माइनस 17 सेकंड, कर लोगे आप लोग? तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी इसमें बड़ी बात। सर जो स्पीड है इसमें अपना 2 अपन 2 लिखा है, 1 लिखा है सर, जो पहले हो तो देखो मैं इसका सेंड कर दे रहा हूँ आप लोग को, मिल गया मुझे इसका वो सोर्स, यही है। ठीक है, कर लोगे? कर लेना यार। अब देखो, अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, आप बताओ। अब देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो किसी भी लोग का एनर्जी क्या होता है?
इसके पास जाहिर सी बात है दौड़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होगा, बोलो इसके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होगा कि नहीं होगा, बताओ जरा बताओ। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होगा, तो सबसे पहली बात देख लो कि यह क्या है हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर क्या है इसका, काइनेटिक एनर्जी है, फॉर्मूला तो जानते हो ना काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर। और इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा कुछ ऐसे होगा, जो हमारे पास यह पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी भी आप लोग पढ़ोगे फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है सर, पढ़ इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं, इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो जो हमारे पास एनर्जी निकल के आती है कुछ यह वाली एनर्जी निकल के आती है, यह वाली। अब इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो कुछ यह वाली एनर्जी निकल के आती है, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, पी एन बराबर क्या है -2.18 इंटू 10^-18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल बाई एटम। लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना वह इससे पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से पूछा जाता है, -1.13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई एटम। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना नीचे वाले से पूछा जाता है, अगर आप इसको ऊपर वाले में कन्वर्ट करना चाहते हो ना तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिख देना 1.6 × 10^-19 ऊपर वाला आ जाएगा, जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ जी भेजा वो जो अभी क्वेश्चन कराया था उसका क्या आंसर कहाँ पे भेजा आपने जो क्वेश्चन कराया था, अरे मैंने इसी में सेंड कर दिया आपको, जब पीडीएफ दूंगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है ठीक है, तो ये आप लोग को पता चला क्या कि किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है। डन है बातें, यस सर। कन्वर्ट करने वाला बताना क्या बताया था आपने, देखो यह नीचे वाला इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ऊपर वाला जूल में, तो नीचे वाले में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिख देगा 1.6 × 10^-19 तो सीधा सीधा जूल में आ जाएगा, 1.6 × 10^-19 का मल्टीप्लाई से करोगे तो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है यस सर, कुछ भी डाउट, कोई डाउट नहीं। ये देख लो यह काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, कन्वर्ट किया गया है। आप बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि रेडियस बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज कम होगी। पोटेंशियल एनर्जी का देख लो यह वाला फॉर्मूला है और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, माइनस लगने का क्या मतलब है, अगर रेडियस बढ़ाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, होना तो चाहिए कम, माइनस लगा हुआ तो बढ़ेगा, ठीक है क्या, यस क्लियर है, क्लियर है। अब यह रहा आपका टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी में क्या है, अगर आप रेडियस बढ़ाओगे तो इसमें भी माइनस लगा हुआ है, टोटल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज बढ़ेगी, इसलिए मैंने बोला ना जिसका रेडियस ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, आप लोग बोल रहे थे जो इलेक्ट्रॉन के पास जो न्यूक्लियस के पास होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, अरे वो बाइंडिंग एनर्जी होता है, बाइंडिंग एनर्जी पकड़े रहता है, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, समझे क्या। अब समझो मेरे पास दो चीजें, एक तो हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है और एक हमारा आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, ये बताओ दोनों अलग अलग चीज है ना, पैसा होना और अट्रैक्शन होना आपसे दोनों अलग अलग चीज है ना, आपको तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगेगी पैसे को ज्यादा लगेगी, दोनों अलग अलग एनर्जी है भाई, दोनों अलग अलग मोटिवेशन है, समझे क्या सर। हाँ जी सर, ये बोर थे वो केमिस्ट थे या फिजिसिस्ट थे, यार एक बात बताऊं, जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट होता है ना मैक्सिमम केमिस्ट्री में आता है और मैक्सिमम केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट बायोलॉजी में भी जाता है, तो ये मान के चलो केमिस्ट्री ऐसा चीज है ना, इसलिए नीट वाले भी पढ़ते हैं फिजिक्स, बायो मैथ वाले भी पढ़ते हैं, नहीं सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट इसी में आ गए, अरे जितने भी केमिस्ट्री में जितने भी साइंटिस्ट ने ढूंढा ना सबसे ज्यादा फिजिक्स वाले ही थे, और जितने भी आजकल केमिस्ट्री में ढूंढ रहे हैं सबसे ज्यादा बायो केमिस्ट्री वाले हैं, बायोलॉजी वाले हैं, केमिस्ट्री का तो खुद का कुछ है ही नहीं, बॉडी में कुछ भी हो रहा है दवाई बन रही है बना कौन रहा है, बायोलॉजी वाले काम केमिस्ट्री का ही करते हैं, डन आगे बढ़ू मैं, yes, sir. आगे बढ़ू, yes, sir. अब ये बताओ कि मान लो कि हमारे पास ध्यान से देखो अगर कोई दूसरे सेल में है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन टू का स्क्वायर दूसरे सेल में, तो अब पहले सेल में कूद रहा है तो पहले सेल वाले की एनर्जी क्या होगी,
माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन वन का स्क्वायर, बोलो। और दूसरे में से पहले में जा रहा है तो क्या मैं दूसरे में से पहले को घटा दूं? यस सर, हायर में से लोअर को घटा देता हूं, तो हायर वाला मेरा यह है ना, यह है yes, तो हायर वाले को घटा देता हूं। अगर हायर वाले में से लोअर को घटाऊंगा तो यह प्लस हो जाएगा क्या, बताओ? प्लस हो जाएगा ना। अरे भाई ये मान लो कि हायर में से लोअर को घटा रहा हूं तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? यस सर। इतना इतना तो आप लोग समझा करो। सर ये एनर्जी का फॉर्मूला नेगेटिव में क्यों है? मैं बता रहा हूं, ये बताओ ऐसे हो गया तो कॉमन कर लो 13.6 जेड स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई एन वन का स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू का स्क्वायर। मैं फिर से माइनस बाहर कॉमन कर लेता हूँ, माइनस बाहर कॉमन करूंगा तो माइनस 13.6 जेड स्क्वायर 1 बाई एन टू का स्क्वायर माइनस 1 बाई एन वन का स्क्वायर। ये बातें क्लियर है क्या? अब आपने पूछा कि यह एनर्जी माइनस में क्यों है, यह एनर्जी ना इतने एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जो है ना न्यूक्लियस जो है ना इलेक्ट्रॉन को बाधा हुआ है, अगर आप इतना ही एनर्जी पॉजिटिव में दे दोगे ना तो भाग जाएगा छोड़ के, वो छोड़ के भाग जाएगा। अगर मान लो कि आप किसी के दुकान पे 8000 में काम कर रहे हो और मैं आपको 8000 दे दूं और आपसे मेरी बॉन्डिंग अच्छी हो, बोलूं कि मेरे दुकान पे आ जाओ, तो आप आ जाओगे कि नहीं आओगे? बताओ आप आ जाओगे कि नहीं आ जाओगे? तो वो उतने एनर्जी से बाधा हुआ पकड़ा हुआ इसलिए वो माइनस में है, उतना ही हम उसको प्लस में दे दे तो छोड़ के भाग जाएगा वो। आपने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मान लो किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माइनस 13.6 किलो जूल है, ठीक है, इतना है किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, इसका मतलब इतने फोर्स से इतने एनर्जी से प्रोटॉन बाधा हुआ इसको, अगर आप इसको इतना एनर्जी दे दोगे तो छोड़ के भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा, ये बताओ? यस सर। तो किसी इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी देने पे अगर छोड़ के बाहर भाग जाए तो वही एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है कि नहीं होती है? तो बताओ इस इलेक्ट्रॉन के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? सर -30 13.6 किलो जूल। बिल्कुल पॉजिटिव, इसलिए क्योंकि हम बाहर से दे रहे हैं ना उसको इलेक्ट्रॉन ताकि निकल जाए, समझे क्या? यस सर। से एनर्जी निकाली है वो एनर्जी कौन सी वाली होगी? क्या चीज? जो से एनर्जी निकालेंगे हम वो एनर्जी कौन सी वाली होगी? हम एनर्जी कहाँ निकाल रहे हैं? हम इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, हम तो इलेक्ट्रॉन को नहीं, वह उतने एनर्जी से बांधा हुआ। अरे यार जैसे मान लो कि कोई 8000 रुपया दे रहा है काम करने के लिए, इसका मतलब आप 8000 उसके पास बधे हो कि नहीं बधे हो? और मैं आपको 8000 रुपया देके अपनी दुकान पे नहीं बुला सकता हूँ काम करने के लिए, बताओ? बोलो बोलो। समझ गए हो गया, कॉम्प्लिकेटेड है। वैसे 8000 कम नहीं है। अरे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग क्या ही रियल ले लिए, ठीक है? डन। किसी को कुछ भी दिक्कत है? किसी को कुछ? यहीं पे बोर मॉडल आपका फिनिश हो जाता है, ठीक है? यहीं पे बोर मॉडल क्या हो जाता है आपका फिनिश हो जाता है। और हम जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, थोड़ा सा पढ़ ले क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थोड़ा सा? Yes, sir. देखो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। मान लो कि हमारे पास एक मेटल है, क्या है यह? मेटल है। मेटल के सरफेस पे जाए सी बात है इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। अब यह सूरज भगवान वाली रोशनी आ रही है, जाहिर सी बात है सूरज भगवान वाली रोशनी आएगी तो इनके पास एनर्जी होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी होगा। yes, sir. तो इनके पास एनर्जी होगा तो यह मेटल पे टकराएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकालते हैं, क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। तो आप बताओ कि क्या बोलते हैं कि हम यहाँ पे हैं, हमें बाहर निकालने के लिए मान लो कि हम आप वहां पे बैठे हो किसी बेंच पे बैठे हो, हमें आपको धक्का देके गिराना है तो कुछ हमारे पास मिनिमम एनर्जी चाहिए ना, तो कि मैं आपको धक्का मार के गिरा दूं। यस सर। तो देखो
इस सूरज भगवान के पास ना कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए कि इसको निकाल दे बाहर। अगर मानो कि थोड़ा सा लाइट लेके आएंगे तो बाहर निकलेगा, खतरनाक वाला लेके आना पड़ेगा इसको। तो एक मिनिमम एनर्जी चाहिए कि यह बाहर निकल जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रीसोल्ड एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रीसोल्ड एनर्जी। अगर आप बताओ मिनिमम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी लेते हैं तो पहले तो इसको बाहर निकालेंगे, पहले तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, उसके बाद इसको क्या करेंगे, दौड़ाएंगे। अब एनर्जी जब ज्यादा लेते हैं तो मिनिमम एनर्जी चाहिए जिससे उसको बाहर निकाल दिए, और जो बाकी एनर्जी बचा उसको क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रॉन को दौड़ाएंगे। और जब दौड़ाएंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। अब ये बताओ ये पहला वाला एनर्जी किसका है, सूरज भगवान वाला बोलो, और यह वाला एनर्जी किसका है, थ्रीसोल्ड एनर्जी मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और यह वाला एनर्जी कितना है। अरे भाई वो एनर्जी अगर 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 मिनिमम एनर्जी से ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने वाला एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। यस सर। नहीं समझे आप लोग? समझ गए। तो देख लो इसको आप लोग एच न्यू बोल सकते हो, इसको एच न्यू नॉट बोल सकते हो, और इसको क्या बोल सकते हो आप, एम वी स्क्वायर बोल सकते हो, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? यस सर। और फिर आप लोग बोलोगे कि क्या बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ है, कहीं भी आपको टफ दिखा है? नो सर। बस सबसे बड़ी बात क्या, ये टफ नहीं है सर, ये तो इजी है। देखो वर्क फंक्शन भी यही होता है, जो थ्रीसोल्ड एनर्जी होता है वही वर्क फंक्शन होता है, उसी को वर्क फंक्शन बोलते हैं। कि मतलब एक मिनिमम एनर्जी हो कि हम काम करा सके। आप बताओ जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं तो काम कहां से कराओगे? तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी जो होता है वही क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है, थ्रीसोल्ड एनर्जी बोलते हैं। सर मुझे पूछनी है। बिल्कुल पूछ सकते हो सर। वैसे नॉर्मली यहाँ पर क्वेश्चन हो जाते हैं, इसके एक दो घंटे बाद अगर हम कभी करते हैं तो क्वेश्चन हो जाते हैं, बट बाद में जब कभी दोपहर के टाइम में ट्राई करने बैठेंगे उस टाइम कभी क्वेश्चन नहीं होते थे, कुछ कुछ डाउट रह जाते हैं। देखो सबसे पहली बात, थ्योरी तो आपका क्लियर है ना पूरा? थ्योरी क्लियर है। कॉन्सेप्ट देखो मैं बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि क्या मतलब है कि ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन आया, मतलब वो सूरज भगवान वाले इलेक्ट्रॉन होगा, उसको हम पहले लिखेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद एक मिनिमम एनर्जी होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। पहली बात तो आपको भावनाओं को पकड़ना होगा। दूसरी बात ये कि दो क्वेश्चन पहले देख के लगाओ, बुक से देख के लगाओ पहले, जिसका आंसर दिया हुआ उसके बाद समय वो कहता। और कोई डाउट ग्रुप बन सकता है क्या, मतलब और कोई डाउट ग्रुप है? आप लोकेश सर से बात करते हैं, लोकेश सर से वो बनाएंगे, पक्का बनाएंगे, लोकेश सर से बात करते हैं। ठीक है सर, नंबर दे दो। सर मेरा फ्रेंड कह रहा था, सर मेरा फ्रेंड कह रहा था कि वो बायो के लिए मैसेज करता है, लोकेश सर रिप्लाई नहीं करते। मैं पूछ के बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके सर। तो ये बताओ ये क्लियर हुआ आप लोग को? यस सर। देखो यही वाला फॉर्मूला है, पढ़ लेना आप लोग थ्योरी वगैरह। ये जो एम है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास है। बी जो है ना, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। तो सब आपके वगैरह दिया, समरी वगैरह क्या ही बताऊं मैं, सब बता दिया ना आपको? यस सर। बोहर मॉडल, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, और क्या बताया हमने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये तीन चीजें मैंने आपको पढ़ाया, पढ़ लेना आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ लेना। क्लास नोट्स एनसीईआरटी डीपीपी एनसीईआरटी एग्जाम्स और जेपीवाई की मैंने वैसे थैंक यू सर पीवाई क्योंकि कुछ सेट किए थे। रिकॉर्डिंग आपको मंडे को मिल जाएगा। ये बताओ क्या लिखा हुआ, ये देखो, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट द थ्रीसोल्ड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इतना एंड ई इज इतना, देन फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। आप बताओ ई बराबर क्या होता है, एच न्यू प्लस एम बी स्क्वायर। आप इसको एच सी बाई लैम्डा भी लिख सकते हो। यस सर। इसको भी आप लोग एच सी बाई लैम्डा लिख सकते हो, आप इसको लैम्डा नॉट कर लेना, कर लेना। अब ये बताओ ये इसकी वैल्यू दी हुई है, ई की वैल्यू दी हुई है। यस सर। बताओ कि जो जो थ्रीसोल्ड वेवलेंथ है यानी इसका वेवलेंथ दिया हुआ है 260। यस सर। आपको ये यही तो निकालना है केवल। यस सर। याद रहे हाफ एम बी स्क्वायर निकालना है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पूछा है,
अब ये नहीं कि इसमें भी कुछ और उल्टा सीधा करना है। ये डी ब्रोगली अभी पढ़ा नहीं हमने। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलो जूल इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ कितना दिया हुआ, वेवलेंथ कितना दिया हुआ बताओ, वेवलेंथ कितना दिया हुआ क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, एचसी बाय लैम्डा। यस सर। जो भी एनर्जी आएगा भाई उसका क्या होगा, वेवलेंथ। ये भी आप लोग कर लोगे, द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इतना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, हो जाएगा क्या। यस सर। यस सर। सब पी वाई क्यू है, सबका सब पी वाई क्यू है। ये देखो द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोअर ऑर्बिट क्वेश्चन है इतना, द एनर्जी ऑफ थर्ड बोअर ऑर्बिट कितना, हो जाएगा क्वेश्चन है। अरे भाई फर्स्ट बोर ऑर्बिट का दे दिया एनर्जी, थर्ड बोर ऑर्बिट का गुना हो जाएगा इसका, क्या तीन गुना हो जाएगा, थ्री टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, ऐसे मत बोलो तीन गुना हो जाएगा, उसमें एन स्क्वायर देता है। यस सर, मुझे एक बात पूछनी थी, मतलब सर इसके आंसर्स मिलेंगे क्या, कि मतलब उसी टाइम सॉल्व करके पता कर ले कि इसके आंसर्स कौन क्या क्या है। देखो चार ऑप्शन दिया हुआ है, आराम से पता कर लोगे, कोई भी ऑप्शन मैच तो करेगा ही। ये सब पी वाई की हुई है, देखो 23 का पूछा हुआ। ये भी देख लो, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 3s ऑर्बिटल इज कितना, द वैल्यू ऑफ x इज, ये बताओ 3s ऑर्बिटल का बोला है, इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू क्या है, 3 है। और मैंने आपसे बोला था nh by 2 पाई होता है, और n क्या होता है, ऑर्बिट ही होता है, तो 3h by 2 पाई हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 3 आ जाएगी, x के लिए 3 आ गई। अरे कभी कभी हलवा ही दे देता है। ये देखो ये बोर मॉडल दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, ये भी 23 में पूछा हुआ है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्टेशनरी इज क्वांटाइज, बिल्कुल क्वांटाइज होता है, एन एच बाई टू पाई होता है। क्वांटाइज का मतलब ये ना कि फ्रैक्शन में नहीं होता है, या फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे ही होगा। The concept of electron Bohr model in Heisenberg and Seti, ये पढ़ाया नहीं, छोड़ दो इसको। Isoelectronic कर लोगे क्या? 23 में पूछा हुआ है। Yes sir. Yes sir. मुझे नहीं लग रहा कोई ज्यादा दिक्कत की बात है। अगर जहां भी दिक्कत की बात आई वहां पे जो याद करना, जरूर आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। पर याद करना मतलब कॉल करें आप? अरे कॉल का मतलब ये है कि मैसेज कर लेना। आई होप आप लोग क्लास को एंजॉय करते होगे और अच्छा लगता होगा आप लोग को। यस सर, शुरुआत में 30 बच्चे थे, फिर 25 हो गए। बस ऐसे ही होता है, कुछ लोग का इंटरेस्ट खत्म होने लगता है या फिर भूख लगने लगता है, बहुत होता है। सर अटेंडेंस के लिए आते हैं बच्चे? अरे अटेंडेंस तो मेरे पास आ जाता है, अभी मैं दिखाऊं तो आप लोग को अभी पता चल जाएगा कितने बच्चे कितने टाइम के लिए ज्वाइन हुए थे, मेरे पास पूरा डाटा आ जाएगा। हेलो सर, मेरा बीच में नेट चला गया था, इसका मतलब ये नहीं है? नहीं तो आप दोबारा ज्वाइन हो तो मुझे ये भी पता। सर एक चीज, नोट होता है क्या? सब चीज नोट होता है आपका, एवरीथिंग। अगर मान लो आपको कुछ भी बेनिफिट दिया जाना हो तो फिर ऐसे थोड़ी ना किसी को भी दे दिया जाएगा। चलो बताओ आप लोग, या फिर हमसे कोई पूछे कि सबसे अच्छे बच्चे कौन है तो फिर मैं से थोड़ी बता दूंगा। सर हाँ जी, मैं रियल बताऊं तो 5 घंटे से कंटिन्यूअस ऐसे ऑनलाइन पढ़ा हूं, कंटिन्यूअस। सर अभी आपको 5 घंटे से पढ़ा हूं। सर कौन कौन क्लास के बच्चे होते हैं, मतलब 11th? हाँ, दो क्लास में 12th का लिया और एक क्लास 11th का। बच्चे काफी अच्छे हैं। क्या मैं कहां पर रहोगे करंट में, दिल्ली में या कहां पर? मैं दिल्ली में नहीं रहता, दिल्ली में मेरे काफी दोस्त रहते हैं। अभी आप कहां पर? अभी मैं दिल्ली में नहीं, अभी मैं कुछ दिन, मैं गोरखपुर में घर से हूँ ना, घर से काम कर रहा हूँ। अभी मैं कुछ दिन पहले भी दिल्ली आया था, मुझे लग रहा है 10 दिन पहले दिल्ली गया था। सर आपने बताया नहीं हमारा मीटअप हो गया था। नहीं बस ऐसे घूमने के लिए, टाइम नहीं था ना काफी। फिर वहां से गया मैं देहरादून, गया देहरादून से हरिद्वार वगैरह घूमा, उसके बाद शादी हो गई।
सर अकेले तभी तो सर आप घूम रहे हो दोस्तों के साथ अच्छी बात है आप लोग भी घूमो फिर घूम रहे हो सर इंडिया टूर पे थे अरे मैं साउथ इंडिया